जीरा वायदा में उत्पादन में कमी के चलते भावों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि पर्याप्त स्टॉक और बुआई में प्रगति से हल्दी वायदा में गिरावट आई है। स्पाइस बोर्ड इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मसालों का उत्पादन साल 2021-22 में 1.5% घटकर 10.9 मिलियन टन होने की संभावना है। देश ने पिछले वर्ष 11 मिलियन टन मसालों का उत्पादन किया था। बोर्ड ने हल्दी का उत्पादन 1.33 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जो साल दर साल 18% से अधिक है। प्रमुख उत्पादकों राजस्थान और गुजरात में कम रकबा होने के कारण जीरे का उत्पादन 7,25,651 टन रहा, जो साल दर साल 8.5% से कम है। देश में सबसे बड़े निर्यात और उत्पादित मसालों में से एक के रूप में गिने जाने वाले मिर्च का उत्पादन भी एक साल पहले 2 मिलियन टन की तुलना में 1.9 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि काली मिर्च का उत्पादन 60,000 टन पर देखा गया है, जो सालाना 7.7% कम है, जबकि छोटी इलायची का उत्पादन 3.6% बढ़कर 23,340 टन पहुँच गया है। गुजरात सरकार के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में जीरे का उत्पादन 44% गिरकर 2,21,500 टन रह गया है, जबकि धनिये का उत्पादन 2,08,090 टन है, जो इसी अवधि के दौरान 5.9% कम है। सरकार 2021-22 में मसालों का उत्पादन 10.9 मिलियन टन बनाम 10.8 मिलियन टन होने का अनुमान लगा रहा है। स्पाइस बोर्ड इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात सालाना लगभग 13% तक गिर चुका है और 13% गिरकर 1,05,31,154 टन हो गया है। मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, मेथी के निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि काली मिर्च, इलायची, अदरक और सौंफ का निर्यात बढ़ा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1,53,154 टन हल्दी का निर्यात किया, जो साल दर साल 16.70% कम है। आंकड़ों से पता चलता है कि धनिया का निर्यात 15.16% घटकर 48,658 टन रहा है। इस दौरान जीरे का निर्यात 27.28% घटकर 2,16,996 टन हो गया। छोटी इलायची का निर्यात 63% बढ़ा है और बढ़कर 10,572 टन हो चुका है, जबकि काली मिर्च का निर्यात 9.5% बढ़ गया है। यानी देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक मसालों का निर्यात बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।